पांच साल पहले मैंने इसी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ज्वाइन की थी सर। उसके बाद कई सब इंस्पेक्टर आए और गए, लेकिन आप पहले ऐसे एसआई हैं जो इस केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो भी ड्यूटी के पहले ही दिन। अच्छी बात है, पर मैं एक राय देना चाहूंगा सर, यहाँ थोड़ा आराम से काम कीजिए। ये बहुत डेंजरस एरिया है सर, और जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसकी तो शायद फाइल भी नहीं बनी। ये केस सिर्फ एक अफवाह है सर, मेरे कानों तक भी ये बात उड़ते उड़ते ही पहुंची है। कोई बात नहीं, कभी कभी अफवाहें दिलचस्प होती हैं। तुम बताओ। ये प्रतियोगिता बहुत ईमानदारी से आयोजित की जाती है, इसमें सट्टेबाजी नहीं होती पर दुश्मनी जरूर हो जाती है, और वो दुश्मनी ही वजह बनी उस मर्डर की। आज भी बंद दरवाजों में उस मर्डर की बात होती है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। किसने किया था वो मर्डर? यहाँ का एक बहुत बड़ा भाई है सर, कोल वेलू, शायद आपने उसका नाम सुना होगा। पूरे शहर पर उसका राज चलता है। वो लाल चंदन की स्मगलिंग करता है। सालों से वो इस प्रतियोगिता का शौकीन रहा है। वो मर्डरर उसकी गैंग से ही है। एक 22 साल का नौजवान जो उस वक्त एक गैंगस्टर भी नहीं था, वो तो कबूतरों को पालता था। कोल वेलू के कबूतरों की देखभाल वही करता था। एक रात दूसरी गैंग के कुछ लोग आए और उसके एक फेवरेट कबूतर का गला काट कर चले गए। बस फिर क्या था, उसने उस गुंडे पर चाकू से हमला कर दिया, उस गुंडे पर जिससे पूरा शहर कांपता था। इस तरह कबूतरों की देखभाल करने वाला एक मामूली लड़का क्रिमिनल बन गया, और पिछले 8 सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या नाम बताया उसका? मारी, राउडी हीरो। ए, अब हफ्ता निकाल वरना पिछले हफ्ते की तरह तेरी दुकान फिर तोड़ दूंगा। अरे देखो तो यार, दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं। क्या यहाँ इंसाफ दिलाने वाले कोई नहीं है? क्यों बे, ये अपनी चप्पल घिस के इस कड़कती धूप में और तपती हुई जमीन पर तेरे से इतने प्यार से हफ्ता मांग रहा है, तो तू प्यार से दे नहीं सकता है? और तू अपने आप को गुंडा कहता है, इससे प्यार से बातें क्या कर रहा है? थर्ड डिग्री वसूली कर। अगर कोई जरा सी भी चीटिंग करता है वो मासूम मारी से राउडी मारी बन जाता है। क्या उस एरिया के लोग उसे पसंद करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बस 2-3 मवाली लड़के उसके दोस्त हैं। एरिया के बाकी सभी लोग उससे तंग आ चुके हैं सर। एक बार वो बाल कटवाने गया, अपनी बारी आने से पहले ही वो सीट पर बैठने जा रहा था। एक कस्टमर जो वेट कर रहा था उसने उसे रोका और वो सीट पर बैठ गया। बस फिर और क्या था, वो अपना सर मुंडवाने के बाद ही उस सीट से उठा। उसके साथ घूमने वाला एक और पंटर है, उसका नाम है शनिवार। शनिवार? ये कैसा नाम है? अभी शनिवार को दारू पीना तो आप उनके लिए एकदम कंपलसरी है। यानी बाकी दिन तुम्हारा ड्राइड है? अब ये कौन बोला? इसमें बोलने का क्या है, ऐसी होगा ना? ऐसा नहीं है, पागल है तू, बाकी दिन पीना तो और भी जरूरी है। तो सिर्फ शनिवार को पीना कंपलसरी है? शनिवार को पीना तो आप उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। खोपड़ी गुजारा है, हो गया कंफ्यूज। ये शनिवार अपने एरिया में से कुछ अलग अलग लोगों को सिलेक्ट कर लेता है और फिर मारी के सामने ले जाकर उनसे डांस शो करवाता है। किसी को डांस आए ना आए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मॉर्निंग भाई, जब जागो तभी सवेरा है। नया मुहावरा है भाई, मैंने अभी खड़े खड़े बनाया। आई आर द वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल टुडे नाइट वेरी स्पेशल प्रोग्राम बाय मारी एंड हिज टीम, सो प्राउडली प्रेजेंट द गेम हंसाओ या मरो। ये कैसा नाम है, हंसाओ या मरो? डांसर डांस करेगा और अगर मारी को हंसी नहीं आई तो डांसर मरेगा। अबे ब्रेक डांस करना रे, कैसा लगा भाई? ए, इसके ठुमके में पंच नहीं है, मार रे इसको, निकाल ठुमका, मार निकाल। अरे अभी निकला ठुमका, अच्छे से करना सामने देख के करना। हाँ बहुत हो गया, अगले को पेश किया जाए। आजा चल अभी तू मटक। ये स्लो मोशन, ये तो मीना कुमारी है, कैटरीना मैन, चल शाबाश। अरे पता है भाई के सामने डांस करना है तो पोज करके आने का था डांस का। ये सब होता है यहाँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लोग उससे बहुत डरते हैं सर, हमें उन्हें नजरअंदाज करके अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? मारी के एरिया में जा रहे हैं हम सर। मुझे टिप मिली है कि कबूतर प्रतियोगिता में लीगल तरीके से बैटिंग होने वाली है, आज उन्हें दिखाता हूँ पुलिस की असली पावर। लेकिन सर, बिना उसकी परमिशन के उसके एरिया में कैसे जाएंगे? क्यों, हम पुलिस हैं या वो पुलिस है? जीप स्टार्ट करो। ये
शादी की। अभी ये लोग इधर क्या करने आए हैं? हर बार की तरह कीड़ा करने आए होंगे और क्या। एक तो बिना परमिशन के इधर घुस आए और ऊपर से मारी भाई का नाम भी इज्जत से नहीं ले रहा है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ बैटिंग हो रही है। बैटिंग यहाँ? ए, इन्हें किसी ने उल्लू बनाया है। हम तो इधर सिर्फ कबूतरों को उड़ाते हैं, उनको उड़ता हुआ देख के मजा आता है। यहाँ बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं होती है। बिना पुलिस परमिशन के ऐसी प्रतियोगिता करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसी वक्त इसे रोक दो और मारी को बुलाओ। और तुम इस भीड़ को हटाओ पीछे। क्या लफड़ा हो रहा है उधर? पीछे हटिए। लोग से प्रोटेक्शन मांगने आए क्या? नहीं भाई। तो फिर पुलिस वाले का इधर क्या काम है? जहां गुंडागर्दी होगी वहीं पुलिस वाला भी होगा। गुंडागर्दी? हम तो शांति से इन कबूतरों को उड़ाते हैं, तो आप इसको गुंडागर्दी कैसे बोलते हो सर? हम तो इनको अपने सम्मान के लिए उड़ाते हैं, ना कि बैटिंग के लिए। लगता है आप उनके किसी दुश्मन ने आपको गलत खबर दी है। दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो गलत काम करते हैं। चले जाइए सर, आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे पास एविडेंस है जो तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। एविडेंस 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 एविडेंस। बंदर की शक्ल इधर आ। अरे इधर आना। आजा 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 जल्दी आ। आजा रे। क्यों बे, पिछले साल तूने चीटिंग की तो तेरी क्या हालत की थी मैंने पता है ना। इस बार तो तेरी एंट्री फीस पर ही मैंने बैन लगा दिया, लेकिन इस बात के लिए तेरे को पुलिस वालों को मेरी झूठी कंप्लेंट देने की क्या जरूरत थी? नॉटी। सुन, यहाँ पे कोई मुझे कुछ नहीं बोला है। उसे जाने दे, मुझसे बात कर। आप अच्छे से जानता है इसको। बोलना, बता ना साहब को क्या कर रहा है। डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? सर, कंट्रोल सर। पूछो इससे, यहाँ पे कोई गलत काम होता है क्या? वट लो। चलिए सर, चलते हैं। चलिए। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा।